छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के आठरा गांव के पाल सिंह कलार एक पैर से विकलांगता के कारण किस तरह से संघर्ष करते आ रहा है जिसकी कहानी देखते हैं, और सरकार की योजना से वंचित होने के कारण उसकी परिवार की क्या स्थिति है। मैं कम से कम 19-20 साल से विकलांगता में हूँ, और मेरे पिताजी था वो घर द्वार का खेत कार था उसको बेच डाला, और मेरा घर द्वार कुछ भी नहीं है, और मैं अपने गोतियार परिवार के मेरे काका लगता है वो ये रूम को दिया है उसमें रहता हूँ। मैं असहमत हूँ, मैं काम धाम नहीं कर सकता, मेरी पत्नी है जो मजदूरी कर मुझे और मेरी बेटी है 7वीं कक्षा में पढ़ती है उसको पालती है। मेरे साथ में मेरी पत्नी भी बहुत परेशानी से गुजरी है, और दूसरी पत्नी रहती शायद छोड़ के चले भी जाती, और मैं कुछ काम धाम नहीं कर सकता, इसलिए सरकार से चाहता हूँ कि मैं मुझे एक ट्राइसिकल साइकिल दिलाए जो सरकार की तरफ से मिलता है, और मुझे विकलांग पेंशन भी मिलना चाहिए। मेरे पैर के लिए घर के परिवार कोई साथ नहीं दे, तो ऐसे गांव वाले चंदा करके मुझे कुछ इलाज करने के लिए पैसे भी दिए थे, कराए उन्हीं लोग ने। मैं बहुत परेशानी से गुजरा, मेरी जिंदगी में बहुत दुख परेशानी झेला हो। पाल सिंह की कहानी सुनने के बाद मुझे काफ़ी दुख हुआ, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाई हूँ। इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मेरा अपील है कि राजनांदगांव जिला पंचायत सीओ प्रियंका शुक्ला का नंबर है 09479053511, इस नंबर पर कॉल करें और दबाव बनाएं। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़ इंडिया अनहट के लिए।